नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा मन जिंदगी में कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या? बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में डेरा जमा लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो डिप्रेशन है, ये हमें जीने देते हैं। अब हमें जीने का कोई हक ही नहीं, हमें ऐसा लगता है अब जिंदगी खत्म हो जाना चाहिए। क्या ये डिप्रेशन सही है? क्या सचमुच डिप्रेस होकर किसी भी पर्सन को मर जाना चाहिए? नहीं। आप इसे दूसरी तरह से कर देखो। आपकी जो प्रॉब्लम है, वो सेम प्रॉब्लम आप समझिए कि दूसरे की प्रॉब्लम है। जरा अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को अलग रखिए। समझो, कोई आपका फ्रेंड है और उसने आपके जैसी सेम प्रॉब्लम आपके सामने रखी है। कितना इजीली एडवाइस देते हो आप, अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। समझो कोई एग्जाम में फेल हो गया, समझो किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, समझो किसी ने प्यार में धोखा खा लिया, समझो कोई कहीं कामयाब नहीं हो पाया और इस तरह की कोई समस्या आपके पास लेकर आए, कितनी इजीली एडवाइस दे देते हो आप। लेकिन जब वही प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो तब फिर डिप्रेस हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस प्रॉब्लम में हो, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम से अपने आप को अलग निकालो। थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करो कि ये प्रॉब्लम मेरे 100 100 फ्रेंड की है, अब मैं इसे क्या एडवाइस दूंगा। तो जब आप प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो तो क्या होता है, वो बहुत आसान नजर आती है। मैं आसानी से सुलझा लोगे, बहुत आसानी से सुलझा लोगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ऐसा समझना कि ये प्रॉब्लम दूसरे की है, अब मैं इसे क्या एडवाइस दूंगा। क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए? क्या आप किसी अपने फ्रेंड को कोई ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए तो उसे सुसाइड करने की एडवाइस दोगे? आप बोलोगे नहीं, सुसाइड मत करना, अभी तुम ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। दुनिया भर के ऑप्शन, जिंदगी है तो 1000 रास्ते, और जिंदगी खत्म तो सारे रास्ते खत्म। तो जिंदगी किससे? जिंदगी आपकी हिम्मत से, जिंदगी आपके भीतर की हिम्मत से है। तो अपनी हिम्मत मत तोड़िए, अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे इसे, तब आपको बड़ी हंसी आएगी, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम थी। देखिए, याद कीजिए कितनी मुश्किलें इसके पहले आपके जीवन में आ चुकी जो इससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ी थी। क्या आप मर गए? नहीं ना। क्यों नहीं मरे? क्योंकि आपने उनका मुकाबला किया। अभी भी आप मुकाबला कीजिए, हारिए मत, डरिए मत, कमजोर मत बनिए, और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। इससे आपको बहुत आत्मबल मिलता है, बहुत ज्यादा आत्मबल, बहुत मानसिक शांति मिलती है। YouTube पर मेरे वीडियो देखिए और मेरी वेबसाइट से कोई भी एक मेडिटेशन जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।